Hi, my name is Devabrata Rai. Today I will discuss about third conditional sentences. If I hadn't met you, I would have missed life. अगर हम तुमसे नहीं मिलते तो हम जिंदगी को मिस कर जाते, लेकिन हमारी मुलाकात तुमसे हुई थी और हमने जिंदगी को भी महसूस किया. If she had invited me, I would have joined the party. अगर वो हमें आमंत्रण करते तो हम वो पार्टी ज्वाइन करते, लेकिन वास्तव में क्या है, शी डिडंट इनवाइट मी एंड आई डिडंट ज्वाइन द पार्टी. ना उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था ना हम पार्टी ज्वाइन किए थे. इस तरह से जब हम अतीत के बारे में कुछ रिग्रेट करना चाहें या तो कुछ और होता तो क्या होता इस तरह से बयान करना चाहते हैं तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की प्रयोग होता है. यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, इफ क्लॉज. इफ क्लॉज में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जो दूसरा क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होगा. इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम. यदि हमने कठोर परिश्रम किया होता तो हम एग्जाम पास कर चुके होते. बट आई डिडंट स्टडी हार्डर एंड आई डिडंट पास द एग्जाम. लेकिन वास्तव में हमने कठोर परिश्रम नहीं किया और एग्जाम भी पास नहीं किए. इफ आई हैडन अटेंडेड द पार्टी आई वुड हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी. अगर हमने उस पार्टी में नहीं किए होते तो हम एक अपॉर्चुनिटी का मिस कर दिए होते. वास्तव में क्या है, हमने वो पार्टी अटेंड किए थे और हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल गया था, या तो किसी से भेंट करने का या तो कोई जॉब ऑफर जो हमें मिला था उस पार्टी के दौरान. क्योंकि हम अतीत में कुछ और होता तो क्या होता उसका वर्णन कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए पॉजिटिव का इस्तेमाल और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस बात का ध्यान रहना चाहिए. इसे घुमा कर भी हम बोल सकते हैं, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड इन्फॉर्म मी. हम उसे सहायता करते अगर वो हमें जानकारी देते. यहाँ पे इफ पार्ट का, इफ क्लॉज का सेकेंड पार्ट में यूज़ किया गया है और इस तरह के सेंटेंस में कॉमा नहीं आएगा. इफ शी हैड प्रपोज्ड मी आई वुड हैव एग्रीड. अगर वो हमें प्रस्ताव देते तो हम राजी हो जाते. वुड के बदले में हम कूड या तो माइट वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं. इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. अगर हमें जानकारी होता तो हम उसे सहायता करते. इफ आई हैड नोन आई कूड हैव हेल्प्ड हिम. अगर हमें जानकारी होता हम सहायता कर पाते. इफ आई हैड नोन आई माइट हैव हेल्प्ड हिम. अगर हमें जानकारी होता हम सहायता कर भी सकते थे. इस तरह से मॉडल वर्ब्स का भी चेंज किया जा सकता है. If I had known that it was so tough to get a new job, I wouldn't have left the job. अगर हमें मालूम होता नया नौकरी ढूंढना इतना कठिन है तो हम कदापि वो नौकरी नहीं छोड़ते. If I had got the job, I would have married you earlier. अगर हमें नौकरी मिल जाता तो तुम्हें पहले ही शादी कर लेता. If I hadn't met you, I would have missed the best gift of God. If I hadn't met you, I would have ruined my career. If I had known earlier that English is so easy to learn, then I would have started earlier. So you can practice this way. If you want to regret about anything past or you want to mention some hypothetical conditions about past, or you want to say something different which actually didn't happen in the past, then you can use this type of third conditional sentences. So if you like this video, please share it with your friends so that I can upload more and more videos for you. And please subscribe this channel. And to get instant notification, you can press the bell icon. And if you want to practice
spoken English, then you can join my WhatsApp group. The link is given in the description box. And the links of other videos are also given in the description box. Thanks for watching this video. If you have any question, then please put your comments below. Thanks for listening and viewing this channel. I'm not expert in Hindi. My first language is not Hindi, but I tried to explain. So thanks for listening.